रेट कट की 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, लेकिन इंपॉर्टेंट है आगे की कमेंट्री, जहां पर जेरोम पावेल ने साफ तौर से कहा है कि 2025 के अंत तक 1% और ब्याज दरें घटेंगी, 2026 तक 50 बेसिस पॉइंट और कटौती होगी, और अगर हम इस पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो इस साल में भी 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती की संभावना है। क्या मायने हैं इस डेवलपमेंट के, इन स्टेटमेंट्स के कमोडिटीज के लिए, इस पर करते हैं फोकस। हर्षल हमारे साथ बने हुए हैं, गुड मॉर्निंग हर्षल। पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, जो आउटकम आया है, जो स्टेटमेंट्स आए हैं, क्या वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, कैसे आप रीड करते हैं विद रिगार्ड्स टू कमोडिटीज? गुड मॉर्निंग दीपाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो फेड ने जो कल स्टेटमेंट्स दिए और जो अपने प्रोजेक्शंस दिए, आई थिंक लार्जली फेड का जो स्टांस है मोर ऑर लेस कंसिस्टेंट रहा है। यस, ये 50 बेसिस पॉइंट टुवर्ड्स द लास्ट वन वीक की फैक्टर इन रहा था, उसके पहले मार्केट सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स को मान के चल रहा था। लेकिन आगे अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी फेड से ज्यादा रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल 2025 में जबकि फेड अभी भी 2 से 3 रेट कट बता रहा है, मार्केट अभी भी 100 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट कट्स फैक्टर इन कर रहा है। इस साल भी जबकि फेड 75 बेसिस पॉइंट का ओवरऑल रेट कट बता रहे हैं, मार्केट ऑलमोस्ट और 75 to 100 बेसिस पॉइंट रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट। तो आई थिंक ये जो अनसर्टेनिटी है फॉर द टाइम बीइंग, गोल्ड में वॉलेटिलिटी इस वजह से बरकरार रह सकती है। तो ओवरऑल स्टांस जो है अभी भी बुलिश है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज भी जो मिडिल ईस्ट में है स्पेशली फिर से वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आई थिंक ओवरऑल व्यू में जो है गोल्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, क्योंकि अब नए ट्रिगर्स को अवेट करेंगे, जैसे अब गोइंग फॉरवर्ड जॉब्स या इन्फ्लेशन डेटा कैसे आता है और उस वजह से जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज होती है, आई थिंक उस पर निर्भर करता है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म थोड़ा साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हर्षल, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की चाल यहां से साइडवेज रहेगी, गिरावट यहां से इन स्तरों से और एक्सपेक्ट ना करें, और अगर आप एक आइडिया दे सकें कि जो ये साइडवेज मोमेंटम रहेगा, ये इसकी रेंज क्या हो सकती है, या फिर बहुत चिंता की बात नहीं है प्राइस वाइज यहां से? आई थिंक बहुत चिंता की बात तो नहीं है प्रॉफिट टेकिंग। ऑफकोर्स गोल्ड ऑलरेडी इस साल 20% से ज्यादा रैली कर चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, तो अगर 4 से 5% का करेक्शन आए तो आई डोंट थिंक वो कोई ट्रेंड चेंज को इंडिकेट करता है। तो हम डेफिनेटली 2500-2450 तक के लेवल्स भी गोल्ड में देख सकते हैं। बट अपसाइड आई थिंक अभी भी हमारा जो व्यू है कि 2650-2700 के जो लेवल्स है, आई थिंक इवेंचुअली गोल्ड वो अचीव करेगा। तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है, इस साइडवेज मोमेंटम को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें एंट्री लेने की, क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं फ्रेश पोजीशंस के हिसाब से, गोल्ड सिल्वर दोनों में? आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म करेक्शन डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत हद तक 50 बेसिस पॉइंट प्राइस इन था। तो क्योंकि ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है, तो हम ऑफकोर्स आउटराइट सेलिंग तो किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। आई थिंक क्योंकि गोल्ड का नेक्स्ट 1 से 1.5 साल तक ट्रेंड हम बुलिश एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई थिंक कोई भी अच्छी अगर गिरावट या करेक्शन आती है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा नए इन्वेस्टर्स को वापस एंट्री लेने के लिए। ओके, हर्षल आपसे सिल्वर पर भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय, आपकी राय क्या रहेगी गोल्ड पर? अब आप यहां से क्या रेंज देख रहे हैं, अगर हम स्लाइटली नियर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, और आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि एक बड़ा इवेंट, उसका आउटकम हमारे सामने, अब क्या करें? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। डेफिनेटली जैसे हर्षल ने भी कहा है कि ऑलमोस्ट हमने प्राइजेस को फैक्टर इन करते हुए देखा, हमने रिसेंटली अगर 1-1.5 महीने की बात करें जुलाई से अभी तक तो $2300 से हमने 2600 देखा। बट आई थिंक दिस इज नॉट अ स्टॉप फॉर गोल्ड, बिकॉज लास्ट वन मंथ में हम जितने भी बैंकर्स हैं उनसे हमने अपडेट देखा, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने, गो फॉर गोल्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, तो मुझे लगता है कि अगर 2008 से अभी तक देखता हूँ जब भी रेट कट्स होते हैं तो जनरली बुलियंस में और बड़े तेजी आती है। अगर लास्ट 4 इंपॉर्टेंट हमने डेटास की बात करें तो हमने देखा है कि गोल्ड में करीबन 35-40% का भी जंप आते हुए दिखा है। तो डेफिनेटली करंट लेवल से मुझे लगता है एक करेक्टिव डिप मिल सकता है, बिकॉज वॉट एवर पब्लिक ने एक्सपेक्ट किया था कि 0.25 वो आ चुका है। जियोपॉलिटिकल की तरफ से कुछ ऐसा हिंट नहीं है कि जो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट अभी का अभी दे दे। तो अगले 10-15 दिन के अंदर एक टेक्निकल पुलबैक 2500-2520 तक का एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है, बट आई एम डैम श्योर के
ईयर एंड तक हम 2700 प्लस कर जाएंगे गोल्ड में, और अगले साल डेफिनेटली ये 3000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 12-15 साल में जब जब रेट कट्स हुए हैं और जो एनवायरमेंट इस वक्त बना हुआ है ये कहीं ना कहीं बुलियन को बहुत सपोर्ट करता है। कल भी हमने डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी गिरावट देखी है, जिस ढंग से ब्रिक्स करेंसीज पे बातें हो रही है, तो डॉलर पे आने वाले टाइम पे और दबाव बढ़ेगा जो गोल्ड को और बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, एक 10-12 दिन के अंदर थोड़ा टेक्निकल पुलबैक वापस मिल सकता है, बट दैट इज गुड टाइम टू बाय। डोमेस्टिक मार्केट में भी रुपया 84 के नियर बाय समझो रहेगा, तो उसका बेनिफिट मिलेगा कि गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट पे भी नया लाइफ टाइम हाई वापस बनाता हुआ दिखाई देगा यही साल में। ओके, तो नए लाइफ टाइम हाईज वापस गोल्ड में बनते हुए दिखाई देंगे, अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, साइडवेज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। अच्छा हर्षल, सिल्वर पर क्या राय आपकी रहेगी? यहाँ भी हमने स्ट्रेंथ सस्टेन होते हुए देखी, हालांकि यहाँ पर सिल्वर के लिए मेटल्स का रोल भी प्ले होता है और बुलियंस के ट्रिगर्स भी काम करते हैं, बट सो फार कैसे देख रहे हैं आप सिल्वर्स को इन लेवल से? आई थिंक सिल्वर में भी ब्रॉडर ट्रेंड तो डेफिनेटली बुलिश ही है, और अगर मैं थोड़ी ज्यादा लॉन्गर टर्म की बात करूँ तो उसके प्रोस्पेक्ट गोल्ड से ज्यादा अच्छे हैं। तो हमें लगता है कि जब तक थोड़ा बेस मेटल्स में, इंडस्ट्रियल मेटल्स के प्राइसेस में जब तक कंसर्न है, क्योंकि चाइना में स्लोडाउन है, ये हो सकता है कि सिल्वर गोल्ड को स्लाइटली अंडर परफॉर्म करे, बट इवेंचुअली आई थिंक नेक्स्ट 4 से 6 महीने बाद हम ये देखते हैं कि सिल्वर फिर यू नो आउट परफॉर्म करने लग जाएगा गोल्ड को, और इवेंचुअली हम नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल में $32.5 का जो टारगेट है हम देखते हैं, लेकिन एक बार उसके ऊपर सस्टेन किया तो आई थिंक $35-$38 के लेवल भी नेक्स्ट 2 से 3 साल में हम फोरसी करते हैं सिल्वर में। तो आई थिंक प्योरली फंडामेंटल सिल्वर के अच्छे हैं, क्योंकि वो मार्केट स्ट्रक्चरल डेफिसिट में है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सिल्वर की ग्लोबली नए यूजेस भी आ रहे हैं, और उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है लास्ट कुछ सालों से ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड हाईज बनाती जा रही है। तो आई थिंक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली अच्छे है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी ऑफकोर्स सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा ही रहेगी, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हम बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन होगा प्रोबेबली आपसे हर्षल, आपने व्यू दिया दोनों ही कमोडिटीज पर, गोल्ड सिल्वर पर, लेकिन अगर हम गोल्ड की वापस बात करें तो अगर किसी को ऑन डिप्स एंट्री लेनी है तो आपके हिसाब से बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, फिर चाहे वो बॉन्ड्स हों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हों, ETFs हों, कॉइन्स हों, आपका सजेशन क्या रहेगा किस मोड के थ्रू इन्वेस्टर्स जा सकते हैं फिलहाल? आई थिंक ये निर्भर करता है कि आपका इवेंचुअली आपका एम क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप प्योरली फाइनेंशियल रिटर्न्स अगर आप चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू नो आप ETFs या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अगर उसके इशू अगर नया आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका एम है कि इवेंचुअली आपको बार एंड कॉइन को फिर इवेंचुअली अगर ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है, जो काफ़ी सारे इंडियन कंज्यूमर्स यूजली करते हैं, तो आई थिंक आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बार एंड कॉइन में निवेश करें। ओके, थैंक यू हर्षल आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर, साथ ही हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या टारगेट्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विकास